प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने शुक्रवार को हरदा के उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित प्रयोगशाला भवन तथा अतिरिक्त कक्षों का लोकार्पण किया। कृषि मंत्री पटेल ने इस अवसर पर कहा कि उत्कृष्ट विद्यालय के लिए नए भवन की स्वीकृति दिलाई जाएगी। कृषि मंत्री पटेल ने इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा हमें अंधेरे से उजाले की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी ध्यान देना चाहिए, तभी स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन विकसित होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वह अपनी शक्ति को पहचाने। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। हमारे समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, एक बार जोरदार ताली बजाए सर के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि ये सबसे 1 करोड़ काम दिलाया और युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, और इसलिए हमने इस कॉलेज का नाम शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मांग पर, और चूँकि मैं भी विद्यार्थी परिषद से ही छात्र राजनीति से ही आज यहाँ राजनीति में आया हूँ, और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के नाम से शासकीय कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदा का नाम रखा गया। इनकी प्रतिमा लगने के लिए बहुत सालों से प्रयास चल रहे थे, लेकिन आज शुभ अवसर आया और स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी हो रही है, एक जनप्रतिनिधि नाते। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे वरिष्ठ नेता और क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय चेतन सुखड़िया जी भी आए हैं, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष सब मिलकर आज और विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।